नमस्ते। नमस्ते। मैं तेजा भाई। आइए आइए। थैंक यू। जी हमने आपको पहचाना नहीं भाई। मैं आपका समधी। समधी मतलब? देखिए मैं गोलमोल बात करके आपको गोलमोल नहीं घुमाऊंगा। हाँ। मैं सीधी बात करता हूँ, अब सुनकर अपना बीपी मत बढ़ाना। हम वही कहते हैं कि हरकत मुर्की छोड़ के सीधे सम पे आ जाइए। बताइए। मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। का? नमस्ते। एक मिनट। आपकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया है, बराबर? बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं? आप बाप ठहरे अपनी बेटी के, उसको समझाइए कि फैसला बदल दे। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। उन दोनों ने आपस में मिलकर ये फैसला किया है। मंगनी भी कर ली, दोनों ने अंगूठी भी बदल दी है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। मालूम है आपका बेटा यहाँ नहीं, लंदन में है। हाँ। लेकिन वो यहाँ पर आया था। फिर गया कब? मंगनी करके वापस चला गया। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। हमने हमारे बेटे को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा है, बिजनेस के लिए नहीं। देखिए देखिए भाई साहब, जो होना था सो हो गया। अब इस मसले को हम ढंग से शांति से सुलझाते हैं। नहीं सुलझेगा तेजा भाई, मेरा बेटा वही शादी करेगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो क्या हुआ है? अंगूठी बदली है ना, मंगलसूत्र तो नहीं पहना है ना, अंगूठी उतार के फेंक देते हैं, किस्सा खत्म। ऐसे कैसे अंगूठी उतार देगी? मेरी बेटी को बियर की बाटली नहीं है कि जब चाहे उसका लेबल उतार दो। ज्यादा बात मत करो, तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी। मुछवा भी होगी। राजेश्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी हो गए तो अपने घर में हो गए। तुम इस तेजा भाई को नहीं जानते, खून खराबे वाले खानदान से हूँ मैं। उस बाप की औलाद हूँ जिसके छोरे पे जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे बड़े बेशर्म, अभी तक यही खड़े जाओ। हाँ, अभी जाता हूँ लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। अरे सुनो। क्या है? अरे तुमसे नहीं भैया, मैं इनसे मुखातिब हूँ। मैं कहता हूँ कि मुन्ने को आज ही फोन करके बुला लेते हैं। हाँ बुला लो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी सुनता है कि मेरी। अरे जाओ नहीं यहाँ से। हाँ जाता हूँ, चिल्लाती क्या है, इलेक्शन में खड़ी है क्या? इसने जो भी बकवास की उसमें जरा भी सच हो सकता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ तुम्हें लगता है। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, उसको फोन करके बुला ही लेते।